दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ती है। पेट्रोल और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम नागरिकों की जेबें खाली कर दी है। ये है मोदी सरकार के अच्छे दिन। रविवार 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार के खिलाफ युवा सेना के राज्यव्यापी आंदोलन में हिस्सा लेते हुए तुमसर शहर के राजाराम लॉन, न्यू बस स्टॉप, बावनकर चौक, लोटन पोहा मिल चौक पर नारे लगाकर साइकिल रैली निकाली गई। उस समय युवा सेना कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द ईंधन की कीमत कम कर आम आदमी को राहत देने की मांग की। इस समय युवा सेना कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आमचे पक्ष युवा सेना प्रमुख आदित्य साहब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार माननीय वरुणजी सरदेसाई साहब यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये इंधन दर वाढी विरोधात युवा सेना सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्या आज आपण सगळे बघतोय। एक पेट्रोलची जे दर आहे जवळपास 115 रुपये झालेला आहे। गॅसचं जे दर आहे ते 1000 रुपयाचा जवळपास झाला आहे। यामुळे कुठेतरी सामान्य नागरिकांना त्या महागाईचा फटका पडतो आहे। या नेतृत्वात याचा विरोध म्हणून, केंद्र शासनाचा विरोध म्हणून आज युवा सेनेतर्फे आपल्या तुमसर तालुक्यात तुमसर विधानसभातर्फे एक सायकल रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।